हेलो गाइस, मैं अनामिका आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आज मैं कांजी बड़ा की रेसिपी लेकर आई हूं, तो आप इसे जरूर देखिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कांजी बड़ा के लिए सबसे पहले हम पानी को उबालेंगे, तो यहां पे हमने 2.5 लीटर पानी लिया है, इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। यहाँ पे हमने पानी को अच्छे से उबाल लिया है। कांजी बड़ा के लिए पानी जितना अच्छा उबला रहे उतने लॉन्ग टाइम तक पानी चलता है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे होने देंगे। पानी के लिए मसाला तैयार करेंगे, तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच ले रखा है काली वाली सरसों। इसी से कांजी की पानी अच्छे से टेस्ट आता है। और इसमें हम डाल लेंगे 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, और साथ में ही हम डाल लेंगे इसमें 3 चम्मच नमक, क्योंकि हमको पानी को नमकीन बनाना है। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, और थोड़ा सा स्पाइसी हो इसके लिए हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शन है, सभी को हम जाके एक बढ़िया सा पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारा कांजी के लिए मसाला तैयार हो गया। इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बोल लिया है। ट्रेडिशनल तरीके से तो इसे मिट्टी के बर्तन में बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो अवेलेबल है उसमें बनाएं, आप भी वैसा ही कर सकते हैं। और इसी के साथ हम डाल लेंगे 2 छोटे चम्मच दही, और दही के साथ हम इसको अच्छे से ऐसे पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं दही के साथ हमने मसाले को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे पॉट में ऐसे फैला लेंगे, तो आप जिस भी बर्तन में बनाएं उसमें अच्छे से फैला लें। अगर आपको मिट्टी के मटके में बनाना है तो अलग कटोरी में इसे मिक्स करके और हाथों से ऐसे लेप लगा लें। मसाले में स्मोकिंग फ्लेवर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लकड़ी जला लिए हैं, आप चाहें तो कोयला जला सकते हैं। अब इसे हम बीच में रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे हींग डाल देंगे, और थोड़ा सा उसके ऊपर हम तेल डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो धुआं तैयार होगा इसे एक थाली से ढक देंगे, और तब तक ढका रहने देंगे जब तक कि धुआं ऑब्जर्व न कर ले। ये हमारा धुआं अच्छी तरह से बॉल में ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम इस बॉल को निकाल लेंगे और इसे ढक के ऐसे ही कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा फाइनली मसाला जो है वो धुआंदार टेस्टी हो चुका है। यही है कांजी बड़ा पानी का मेन प्रोसेस। ये पानी तब बनाया जाता है जब गर्मी का सीजन आ रहा हो और ठंडी का सीजन जा रहा हो। अब हम इसी पेस्ट में डाल लेंगे 1 चम्मच भर अजवाइन और थोड़ा सा सरसों का तेल। ये सारे फ्लेवर पानी को बहुत ही टेस्टी बनाता है। अब इसी टाइम हम डाल लेंगे अपना रूम टेम्परेचर पे आया हुआ पानी। ये हमारा कांजी का पानी तैयार हो गया। इसे हम क्या करेंगे, मिक्स करके फॉर्मेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो वैसे तो ट्रेडिशनल तरीके से 2-3 दिन पहले पानी बनता है, लेकिन हम इसे 24 आवर्स बाद ही बड़ा में यूज करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि हमने इसमें गुनगुना पानी डाला है तो हमारा मसाला बहुत जल्दी फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसे हम चम्मच से मिक्स करके और ढक के 24 घंटे के लिए फॉर्मेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे बड़ा का दाल भींग गया है, आप देख सकते हैं नेल से अच्छे से कट जा रहा है। तो अब हम इसको पानी से छान के और मिक्सर जार में ले लेंगे। बिल्कुल हमें ड्राई पेस्ट बनाना है। दाल में ही हम डाल लेंगे 2 हरी मिर्च, आपको जैसा तीखा चाहिए वैसा डालिए। और इसी में हम डाल लेंगे 1 चम्मच जीरा, हल्का सा कलर के लिए हम हल्दी यूज करेंगे, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसके लिए हम यहीं पे डाल लेते हैं। और दाल है तो उसमें हींग ना पड़े तो मज़ा नहीं आता है। तो इसी के साथ हम डाल लेंगे 4 चम्मच पानी, हमें पानी ज़्यादा यूज नहीं करना है, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पे हमने अपने दाल को मिक्सर जार में पीस लिया है, देखिए कितना गाढ़ा है, बिल्कुल पतला हमने नहीं पीसा है। तो यहाँ पे हमने कांजी बड़ा के लिए बेटर को अच्छे से फेंटना शुरू किया है। फेंटने का सिस्टम देख लीजिए, ऐसे फेंटेंगे तो बड़ा फ्लफी अपना कांजी बड़ा तैयार होगा। तो चलिए हम फेंट के आपको दिखाते हैं।
बेटर को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम एक बॉल में लिए हैं आधा लीटर पानी, इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक। तो ये हमारा बड़ा भिगोने का पानी तैयार हुआ। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे बड़ा। तो आप बड़ा साइज का बनाना चाहें तो बड़ा डालिए, छोटा साइज का बनाना चाहें तो छोटे छोटे बड़े डालिए। हम तो यहाँ पे मीडियम साइज ले रहे हैं, तो यहाँ हमें गोल गोल बड़े तैयार कर लेने हैं। मिनट में हमारा एक साइड से बड़ा जो है एकदम तैयार हो गया है। इसे हम फ्लिप करते हुए और पका लेंगे। तो हमें ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे अच्छे से पका लेना है, क्योंकि ज्यादा कड़क होता है हमारा बड़ा तो बाद में सॉफ्ट नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बड़ा है अच्छे से पल चुकी है, यानी इसका कलर देख लीजिए, ये बिल्कुल कच्चा नहीं है और हम जितना डाले थे पेस्ट उसका डबल फूल के हो गया है। तो फाइनली हमारा कांजी बड़ा के लिए बड़ा तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। यहाँ पे हमने सभी बड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम जो पानी लिए हैं यहाँ पे उसमें जितना जरूरत होगा, यानी कि हमें जितना सर्व करना होगा उतना बड़ा डाल लेंगे। तो हम 5 से 10 बड़ा डालेंगे, आपको जितना जरूरत है वहां डालिए। और इसे हम 10 मिनट तक सोक होने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बड़े जो है अच्छे से फूल गए हैं। अब हम पानी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कांजी जो है अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है, इसका टेस्ट भी बहुत ही सुंदर हो गया है, मस्टर्ड ऊपर तैरने लगे हैं। इसकी थिकनेस देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही पानी बनता है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करना बता देते हैं। हम क्या करेंगे, बड़े में से एक बड़ा निकालेंगे और हथेली से प्रेस करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी गिरा देंगे। और हम प्लेटिंग आपको दो तरीके से दिखाएंगे, एक तो ग्लास में करके दिखाएंगे और एक कटोरी में। तो ग्लास बड़ा है, इसके लिए हम 3 बड़े लिए हैं, यानी कि बड़ों के लिए, और कटोरी छोटी है तो इसमें हम 2 बड़े डाल लेंगे। गाइस ये कांजी बड़ा जो है होली में बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा तेल मसाला खाते हैं तो उस टाइम में इसे डाइस करने के लिए ये रेसिपी बनता है। इससे पाचन क्रिया सही रहती है और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। तो यहाँ पे हमने कर लिया अपना कटोरी का प्लेटिंग, अब हम कर ले रहे हैं ग्लास में प्लेटिंग। तो गाइस ये रहा हमारा होली स्पेशल राजस्थानी कांजी वड़ा की रेसिपी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।